हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। सो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और कितने दिन हो गए, कहाँ सीखते हुए, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है और कहाँ से आते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? सूरज कौशिक। कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? आज 5 दिन हो रहा है, फिफ्थ डे हो गया। कितने परसेंटेज आपको ड्राइविंग आ गई? मुझे मेरे ख्याल से 60+ आ गई। ओके, तो अभी तक कौन कौन से गियर में आपने कार चलाई है? थर्ड गियर तक, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड गियर, क्योंकि फिफ्थ डे के हिसाब से थर्ड गियर भी बहुत है ना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है फर्स्ट एंड सेकंड गियर होता है। अगर फर्स्ट एंड सेकंड गियर में कार चलानी आ गई तो थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ गियर तो बहुत ईजी है, कि कार को स्टार्ट करना, कार को मूव करना, कार को रोकना, कार को टर्न करना, है ना, ये सारी चीज़ें फर्स्ट एंड सेकंड गियर में ही होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टर्निंग्स पे हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि टर्निंग होते हैं, जो गलियों में हमें कार को टर्न करना होता, सोसाइटी वगैरह कॉलोनी होती है, जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं वहाँ पर कार को कैसे टर्न करना, टर्न करते वक्त क्या हमारा राइट वाला पैर ब्रेक पर होना चाहिए, एक्सीलेटर पर। मोस्टली जो न्यू विगनर होते हैं, नए नए सीखे होते हैं, उनके माइंड में एक डाउट होता है, वो सोचते हैं कि हम एक्सीलेटर से पैर हटाएंगे तो हमारी कार का इंजन बंद हो जाएगा। बाइक और स्कूटी में क्या होता है, अगर आपने एक्सीलेटर को प्रॉपरली रिलीज कर दिया तो आपकी कार का, बाइक का और स्कूटी एकदम स्लो हो जाती है और बुझ जाता है इंजन, है ना। तो कार में ऐसा नहीं होता है। कार में क्या है कि अगर आपने 0 RPM पे, 0 RPM का मतलब अगर आपने प्रॉपरली एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड गियर में, तो भी आपकी कार 5-10 की स्पीड में मूव करती रहती है, पहले दूसरे गियर में वो मूव करती रहती, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर आपने ब्रेक लगा दिया फर्स्ट एंड सेकंड गियर में, ज्यादा ब्रेक ले लिया तो कार का इंजन बुझ जाएगा। तो अभी हमें यहां से टर्न करना है राइट, तो आप राइट का सिग्नल दीजिए और राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आओ, और यहां पे अभी जब लेफ्ट ही रखो गाड़ी अपनी, अब यहां पे आप फुल क्लच दबा लो। फुल क्लच इसलिए दबा लेना है ताकि इंजन फ्री हो जाए। अभी सीधी रखो स्टीयरिंग, हाँ। अब आप राइट टर्न करो, अभी भी आपने वैसे थोड़ा गलत टर्न करा। अगर सामने से भी कोई कार आ जाती तो आपने उसके लिए स्पेस छोड़ा था? नहीं छोड़ा, आपको थोड़ा और आगे जाके फिर टर्न करना चाहिए था। राइट रखो, थोड़ा राइट। तो यहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ से कार का जो बोनट है वो 6.5 फीट आगे निकला है, तो उसको कैसे जजमेंट करोगे? इसलिए हमेशा अपना लेफ्ट दबा के, थोड़ा ज्यादा लेफ्ट आके कर्व लेके टर्न करना होता है। इन सब गलियों में राइट वाला पैर कहाँ होना चाहिए? राइट ब्रेक में। और अभी आपका पैर कहाँ है? एक्सीलेटर। यही एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, समझ रहे हैं? यही एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। यहाँ पे एक्सीलेटर की कोई नीड ही नहीं थी, जब वहां पे लेफ्ट और राइट में कार खड़ी थी, सामने से स्कूटी आ रही थी, तो आपको राइट वाला पैर फाइनली ब्रेक पे रखना था। अभी यहाँ से हमें राइट टर्न करना, और राइट टर्न करने के ऐसे हमें गाड़ी लगा के ऐसे पूरा लेफ्ट दबा के, अब यहाँ पे पूरा फुल क्लच दबाओ और एक बार हॉर्न दो, हाँ। अभी आगे जाके अब टर्न करो, अब देखो राइट बार इससे ज्यादा नहीं सीधी करो। अब राइट में देखो कितनी जगह हमने छोड़ दी, सामने से भी अगर कोई कार आती तो वो भी इजीली निकल जाती। इसी गली में फिर राइट लेना, बच्चा बैठा ध्यान रखना, हॉर्न दो, टर्न करो। अब देखो यहाँ पे क्या आपने मिस्टेक कर रखी है, आप ब्रेक ज्यादा दबाए पड़े और क्लच कम दबा रहे, जिसकी वजह से इंजन वाइब्रेट कर रहा है, इंजन बुझ जाएगा। भाई आप एक तरफ क्लच कम दबा रहे हो, एक तरफ ब्रेक ज्यादा दबा रहे हो, तो क्लच कम दबाने का मतलब ये होता है कि इंजन को हमने गियर में एक्टिव कर रखा है, ब्रेक ज्यादा दबाने का मतलब है हम कार को रोकना चाहते हैं। गलियों में ज्यादा क्लच का यूज होता है, ब्रेक का कम यूज होता है। अभी टर्निंग पॉइंट आ रहा है, आप सेकंड गियर में हो, फुल क्लच दबा लो, 10 मीटर पहले फुल क्लच दबाना, ब्रेक नहीं सिर्फ क्लच, लेफ्ट का सिग्नल और हॉर्न, हाँ, फुल क्लच दबा के रखना। अब थोड़ा सा क्लच छोड़ो, कार आपकी फिर वापस गियर में एक्टिव हो जाएगी, बस इससे ज्यादा नहीं। या भागने लगे फिर पूरा क्लच दबा लो, फिर फ्री हो जाएगा इंजन, फिर बढ़ाना है, फिर थोड़ा क्लच छोड़ो, फिर यहीं से लेफ्ट टर्न करना है। सेकंड गियर में अगर आप कार गलियों में चला रहे हो तो क्लच से ही पूरी गाड़ी मूव करती है, क्लच से गाड़ी को धीमा कर सकते हो और क्लच से गाड़ी को एक्टिव कर सकते हो, फिर यहीं से राइट टर्न करना है। छोड़ो क्लच, हॉर्न, हल्का राइट रखो, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो क्योंकि यहां पे चढ़ाई है, हॉर्न राइट रखो, राइट, हाँ, जाने दो,
मलबा पड़ा इधर ध्यान रखना, हाँ रोक पूरा क्लच दबाओ फुल और ब्रेक लो। अब इसको करूँ फर्स्ट गियर में, क्योंकि कार रोकने के बाद हमेशा फर्स्ट गियर में। और मैंने कितनी बार आपको समझाया कि हॉर्न हमेशा लॉन्ग बजाया जाता है, समझाया नहीं समझाया? तो ये टी टी करके क्यों बजाते हो? राइट का सिग्नल दो नीचे को, राइट का, हाँ अपना लेफ्ट दबा के राइट टर्न करना है, लेफ्ट दबा के। अभी बहुत लेट समझ पाते हो, बोलने के बहुत देर बाद एक्टिव हो पाते हो। स्पीड मेंटेन करो, सीट बहुत ज्यादा आगे कर रखी हो, हाइट के हिसाब से सीट और थोड़ी पीछे होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी फिर मैंने बोला था पता है इस बार गाड़ी से नीचे उतार दूंगा मैं आपको, पता है? अगर एक बात मुझे 10 बार समझानी पड़ेगी यहीं से लेफ्ट लेना है, बस बहुत ज्यादा हॉर्न नहीं बजाते। टर्न करो फटाफट, जल्दी जल्दी क्लच छोड़ो, फटाफट टर्न करो। टर्न ही नहीं किया आपने, मैंने बोला था फटाफट टर्न करो, तुमने टर्न नहीं करा, इसलिए देखो फंस गए। पहले गियर में करो इसको, पहला गियर कंफर्म है जी, छोड़ो चलो जाओ, फुल कटी है जी। चलो जाने दो, आ जाओ, निकल गई भाई, चलो चलो चलो, निकल गई निकल गई। अब सीधी करो, स्टीयरिंग घुमाने में टाइम लगा देते हो, बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हो। अब ज्यादा सीट सही है, पहले सही थी, अब सही। तो फिर अगर किसी छोटे बच्चे की साइकिल आपको दे दी जाए, 3 साल के बच्चे को, और ये लंबे चौड़े इतने हो, तो चला लोगे उसको? तो दिमाग कहाँ, घर पे रख के आते हो या फ्रिज में रख के आते हो? जब ड्राइविंग सीखने आते हो तो दिमाग साथ में लेके आया करो, समझ गए? आज 5 दिन हो गए गाड़ी चलाते हो और आपको अपनी सीट एडजस्ट करना नहीं आ रहा है, यहाँ से लेफ्ट चलना है, जो कि डेली वो काम करते हो स्लो करके। हाँ अभी टर्न करो फुल, हाँ फिर आगे से लेफ्ट लेना है। अभी मैंने आपको क्या बोला था, टर्निंग पे फुल क्लच दबा लेना अगर आप सेकंड गियर में कार चला रहे हो, बोला था ना आपने? यहाँ पे क्यों नहीं दबाया फुल क्लच टर्निंग पे, फिर टी टी करके ऑन बजाया तुमने? अभी 2 सेकंड पहले से बताया था मैंने, है? बहुत ज्यादा हॉर्न नहीं बजाते मेरे भाई, आप बहुत हॉर्न बजाते हो। एक बार बजाओ बस खत्म, क्लच दबा लो पूरा, सीधी करो फुल क्लच दबा लो। सामने स्कूटी है, इधर पेड़ भी है, हाँ अब निकल जाएगी अपने आप। हाँ अब यहाँ पे देखो ब्लाइंड टर्न है, एकदम बहुत नैरो लाइन है, क्लच दबा लो पूरा, राइट चलना है स्लो करके। हाँ छोड़ो क्लच, हाँ अब सीधी करो, बस हल्का लेफ्ट आओ, अपना लेफ्ट दबा लो, पूरा क्लच दबाओ फुल, तब तक वो निकल जाएगा। हाँ बस अब हाफ क्लच छोड़ो, क्लच को इक्वल प्रेशर से रिलीज करते, एकदम से झटके से नहीं छोड़ते हैं, समझ गए? झटके से छोड़ोगे गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। हॉर्न, हाँ ऐसे ब्रेक पे पैर रखो, एक्सीलेटर की जरूरत नहीं है, आगे से राइट टर्न करना जहां से स्कूटी निकली है, अपना लेफ्ट दबा के रखो, लेफ्ट लेके आओ। हाँ फुल क्लच दबा लो फुल, हर टर्निंग पे अगर आप सेकंड गियर में कार को टर्न कर रहे हो तो फुल क्लच दबाओ। हाँ अब हाफ क्लच छोड़ो, कार एक्टिव हो जाएगी, सीधी करो। टर्निंग पे आप फुल क्लच दबा लो अगर सेकंड गियर में कार को टर्न कर रहे हो, यहीं से फिर राइट लेना, राइट का सिग्नल दो, ब्रेक पे पैर रखो, हाँ इसको ई रिक्शे वाले को आने दो, फुल क्लच दबा लो, ब्रेक नहीं खाली क्लच, अब राइट टर्न करो बस, इससे ज्यादा नहीं। और टर्निंग के टाइम अपने लेफ्ट और राइट वाले ORBM जरूर, राइट टर्न कर रहे हो तो राइट वाला मिरर चेक करो, ताकि राइट साइड का आइडिया हो जाए कि राइट साइड का पिछला टायर आपका पोल में तो नहीं टकरा रहा, रैंप पे तो नहीं चढ़ रहा है। और जब लेफ्ट टर्न कर रहे हो तो लेफ्ट वाला ORBM चेक करो, इससे आपको साइडें पता चल जाएंगी। अभी खाली आप फ्रंट ग्लास को देख पा रहे हो, साइडें नहीं चेक कर पा रहे हो। पता लगा टर्निंग के टाइम राइट साइड में कोई पत्थर पड़ा हुआ था आपका पिछला टायर, उस पे चला गया, या कोई सरिया निकली थी टायर फट गया, क्या करोगे? अब लेफ्ट का सिग्नल दो, फुल क्लच दबा लो, इतना पहले फुल क्लच दबा लो 20 मीटर पहले। अब फुल क्लच दबाया, अभी देखना अपने आप कार टर्न हो जाएगी। अब हाफ क्लच छोड़ दो,
हाफ, बस हाफ से ज्यादा नहीं, वापस गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई, जरूरत पड़ी ब्रेक की नहीं पड़ी, लेफ्ट का सिग्नल दो, हाँ फुल क्लच दबा लो, हॉर्न बस, अब हाफ क्लच छोड़ो, टर्न हो गई। सेकेंड गियर में इतना आरपीएम रहता है कि आप 20 मीटर भी पहले अगर आप, अब देखो सपोज ठीक है, अभी ये होंडा सिटी खड़ी है, आप सेकेंड गियर में हो, फुल क्लच दबाओ, दबाओ ब्रेक मत लेना 1% भी, ठीक है, अभी देखना है कितने मीटर पे जाके गाड़ी रुकेगी, पूरा क्लच दबा के रखना, छोड़ना नहीं। एक पोल से दूसरे पोल की जो दूरी होती है 50 मीटर होती है, कितनी होती है 50, अब आपने देखा दो पोल को आप क्रॉस कराए, दो पोल को क्रॉस कराए, कितनी दूर गाड़ी चली आई 50। अरे मेरे भाई, एक पोल से दूसरा पोल 50 मीटर होता तो दो पोल 100, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो, पहले गियर में करो इसको, ये तीसरा गियर डाल रहे हो, इधर मेरी तरफ सटा के तब ऊपर करना होता तब फर्स्ट गियर लगेगा, जरा सा भी गियर इधर चला गया तो थर्ड गियर लग जाएगा, समझ गए, क्योंकि गियर को ढीला करते ही वो थर्ड की डायरेक्शन में जाता है। चलो लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ चलो हाफ क्लच पे, समझ में आया, सेकंड गियर में इतनी पावर होती है कि बिना एक्सीलेटर गाड़ी चलती रहती, हॉर्न, हाँ टर्न करो फटाफट, ज्यादा आगे चले गए, अपना लेफ्ट ही दबा के टर्न करते हैं, अभी स्पीड मेंटेन करो, हाँ और स्पीड बढ़ाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, पहले क्लच को रिलीज करते फिर एक्सीलेटर पे जाते हैं, अभी आपने क्लच दबा के गियर चेंज किया, क्लच को रिलीज किया नहीं, एक्सीलेटर पे पैर रख लिया, कहीं बाय मिस्टेक एक्सीलेटर दब गया तो क्या होगा, बिना बात का इंजन साउंड करेगा, लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, पूरा क्लच दबा लो फुल, हाँ हॉर्न बस, अपना लेफ्ट ही दबा के रखो, छोड़ो हाफ क्लच छोड़ो, हाँ वापस गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई, लेफ्ट रखो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हम लेफ्ट कह रहे हैं तुम राइट ले जा रहे हो, ऐ तेरी भला हो, कम सुनाई देता है बच्चा तुम्हें, मैंने क्या बोला था लेफ्ट आने, लेफ्ट आने के, और आपने कहाँ टर्न कर दिया राइट, कहाँ तोते तुम्हारे उड़े पड़े हैं भाई, कौन सी दुनिया में खोए पड़े हो, मैंने कितनी बार बोला लेफ्ट लेफ्ट, हमेशा ध्यान दिया करो टर्निंग पे, एक्सीडेंट होने के कारण यही होते, हम सोच कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, हो कुछ और रहा होता है, फुल क्लच दबा लो, हल्का सा ब्रेक ले लो, हाँ अपना लेफ्ट आओ, लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ हाफ क्लच छोड़ो, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, हाँ लेफ्ट टर्न करो, एक बार भी तुमने राइट में नजर डाली, ये बताओ खतरा किधर से था हमें, लेफ्ट से राइट से, राइट से, तो तुमने एक बार भी नजर राइट में डाली, अभी देखे, अरे टर्निंग से पहले देखा, जब अभी टर्न करा तो टर्निंग से पहले एक बार भी राइट साइड देखा था, जब टर्न कर रहे थे उससे पहले एक बार देखे थे, क्या क्या आ रहा था आपकी राइट साइड से, कुछ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं था, एक स्कूटी पर जा रहा था, ठीक है, टर्निंग से पहले हमेशा अपोजिट साइड में ध्यान देना होता है, कि जो खतरा होता है वो अपोजिट से होता है, जिस साइड हमें जाना उस साइड तो जाना ही है, भगाइए नहीं, क्यों भगा रहे हैं, एक पॉइंट लाइट ऑन करो, हेडलाइट लट्टू घुमाओ आगे, बस हाँ पार्किंग लाइट ऑन हो गई, ठीक है चलो, और अपनी कार लेफ्ट ही रखो, राइट मत ले जाओ, जितना लेफ्ट रखोगे उतना सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, हॉर्न, जो भी जिन लोगों को आप ओवरटेक करते हो उनको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, फिर ये जो छोटी छोटी गलियां हैं, छोटी छोटी बारीकियां हैं, वहां पे एक्सेलेटर, अब इस पूरी कॉलोनी में जो मैंने आपको श्रीराम कुंज में गाड़ी चलवाई वहां पे एक बार भी एक्सेलेटर की जरूरत पड़ी,
पूरी आपने आधे घंटे गाड़ी वहां दौड़ा डाली फर्स्ट एंड सेकंड गियर में, 1% भी एक्सीलेटर की जरूरत पड़ी, सिर्फ क्लच की नीड पड़ी, ब्रेक की जरूरत पड़ी नहीं, ना तो ब्रेक लगाना पड़ा ना एक्सीलेटर दबाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ क्लच से गाड़ी पूरी चली। फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, फर्स्ट गियर में टर्निंग करना, कहीं भी कार का इंजन बुझा, कार का इंजन बंद हुआ तो फिर समझ में आया कि ये जो हर जगह हम एक्सीलेटर दबाना स्टार्ट कर देते, ये नहीं, बिना एक्सीलेटर गाड़ी चलाना सीखना है। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लियो। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।